हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 12th का आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश का आज हम ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं। मैंने आपको नोटिस राइटिंग जो है वो कैसे लिखते हैं, मतलब उसका फॉर्मेट वो बता दिया है। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच के बैठे हैं कि हमें फॉर्मेट जानने की क्या ज़रूरत है भाई, जब हमें MCQs दे रखे हैं, तो ये आपकी बहुत 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 जो है वो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। बिकॉज आपके जो MCQs हैं, आपको पता चलेगा किस टाइप के आए हैं इस वीडियो से, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें फॉर्मेट देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, बाकी आप आगे देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको नोटिस राइटिंग कहा, तो हाँ, आज हम नोटिस राइटिंग के MCQs करेंगे आप सभी के लिए। मैं यहाँ पे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ MCQs। तो जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवनिंग टू कलेक्ट फंड्स फॉर कोविड विक्टम्स ऑफ स्लम्स। ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, मेंशन ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, यू आर मुकुल, हेड बॉय ऑफ द स्कूल। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भाई, आपका जो स्कूल है वो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है, कल्चरल इवनिंग। उसमें वो क्या करेंगे, वो फंड जो है, फंड्स यानी कि कुछ पैसे जो हैं वो कलेक्ट करेंगे किनके लिए, जो कोविड विक्टम्स हैं, वो भी स्लम के, स्लम यानी कि जो बस्ती होती है छोटी छोटी, उनके जो कोविड विक्टम्स हैं उनके लिए वो फंड कलेक्ट जो है वो करेंगे। तो ये बात बताने के लिए आप मुकुल हैं और आपको एक नोटिस लिखना है और वो आपके नोटिस बोर्ड में आपको लगाना है, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड जो डिटेल्स होती हैं नोटिस लिखने के लिए, वो सभी आपको इसमें बतानी है कि कैसे कैसे और क्या। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि आपको नोटिस राइटिंग लिखना है, नहीं है, ये MCQs ही आपके। कैसे, ये देखिए, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे दिया और इसके अंदर नोटिस लिख दिया आपका, ठीक है। फिर आपको ये नीचे MCQs दिख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले ऊपर है ABC पब्लिक स्कूल। हमारा नोटिस का फॉर्मेट होता ही यही है कि हमें ऊपर अपना जो स्कूल है, क्या क्या चीज़ है जो ऑर्गेनाइज करा रही है इस कोविड विक्टम फंड कलेक्ट करने के लिए, क्या चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करा रही है, ये हमें लिखना होता है। तो आपने अपना स्कूल लिख दिया, ABC स्कूल और द्वारका, कि ये द्वारका में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नोटिस लिख दिया। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। यहाँ से आप पढ़ लीजिए अच्छे से, पहले डेट लिख दी, ऊपर नोटिस लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, फिर फंड कलेक्शन फॉर कोविड विक्टम्स लिख दिया और उसके नीचे लिखा है अ कल्चरल इवनिंग इज़ बींग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल इन द स्कूल टू कलेक्ट फंड्स फॉर द कोविड विक्टम्स ऑफ स्लम। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट होल हार्टेडली फॉर इट्स ग्रेट सक्सेस एम। यहाँ पे मतलब अपनी साइन कर दिया और फिर नीचे लिख दिया मुकुल, जो आप मतलब कि आपको बताया गया था कि आप मुकुल हैं, और मुकुल कौन था, एक हेड बॉय था अपने स्कूल का। अब भाई यहाँ पे हो गई है नोटिस की बात, अब चलते हैं अपने MCQs की तरफ। देखिए, पहला जो है ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन द अबव नोटिस। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या चीज़ जो है वो इस नोटिस राइटिंग, जो नोटिस आपको दिया है, इसमें मिस है, मतलब कि क्या चीज़ ऐसी है जो इसमें लिखी नहीं गई है, जो लिखनी बहुत ज़रूरी थी जब हम नोटिस फॉर्मेट लिखते हैं। तो यहाँ से आ गई ना फॉर्मेट वाली बात, अगर आपको नोटिस फॉर्मेट पता ही नहीं है कि इसमें क्या चीज़ें लिखनी होती है, तो आप सोचेंगे कि भाई एग्ज़ाम में जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, और आप सीधे नन पे करेक्ट कर देंगे, यानी कि नन जो ऑप्शन नंबर डी है उसको सही कर देंगे और आपका एक नंबर जो है वो चला जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन है पहला, डेट ऑफ द इवेंट, बी है डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, यहाँ पे द दो बार लग गया तो एक द को आप कट कर लीजिए, ठीक है। फिर है सी, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए जल्दी से, ऑप्शंस आप सभी के पास है। जिन बच्चों को आता है वो बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, जिनको नहीं भी आता है वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए बता दीजिए, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट। जो ये हमारा नोटिस है, इसको पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें ना तो डेट बताया है कि किस दिन कब आपको, भाई कोई स्पेसिफिक यहाँ पे डेट तो दी है,
ये डेट कौन सी दी है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं। लेकिन एक डेट हम यहाँ पे देते हैं अपने नोटिस राइटिंग के बीच में कि भाई आपको इस दिन जो है ये इतना जो फंड है आप चाहें जितने आपको आप देना चाहें फंड के तौर पर वो आप दे सकते हैं इस डेट को। मान लीजिए अभी 15 अगस्त लिखा है 2021, तो आप मान लीजिए आपको मुकुल जो है वो कह रहा है कि आपको 30 अगस्त तक 2021 तक आपको जो फंड है वो पूरा पूरा जमा करा देना है, उसके बाद जो है ये फंड कलेक्ट करना हम बंद कर देंगे। तो उस चीज़ की डेट तो बतानी पड़ेगी ना। अब हमें यहाँ से डेट का तो पता ही नहीं चला ना। फिर सेकेंड है टाइम, टाइम भाई कब तक का टाइम है, पूरे दिन तो नहीं चल सकता कि पूरे दिन ही चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है वेन्यू ऑफ द इवेंट, अब वेन्यू कहाँ पर है, कहाँ पर हमें देना है जाके ये चीज़। तो ये जो तीनों बातें हैं ये हमें नोटिस में बताई ही नहीं गई है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, अगला दोबारा से आ गया है आपके पास, एक नोटिस ही लिखा हुआ आया है लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से है। पहले हम ऊपर की ये सब पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद अपने एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। तो है यू आर राम, कि आप राम हैं, सेक्रेटरी ऑफ CBA रेजिस्टेंस वेलफेयर एसोसिएशन विकासपुरी न्यू दिल्ली। अब इस क्वेश्चन में इसमें बोला गया कि आप राम हैं, सेक्रेटरी हैं CBA रेजिस्टेंस वेलफेयर एसोसिएशन के, और वो कहाँ पर है, विकासपुरी में यानी कि न्यू दिल्ली में है। वाटर सप्लाई विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर 2 डेज ड्यू टू रिपेयर वर्क ऑफ पाइपलाइन, इन्फॉर्म रेजिस्टेंस अबाउट इट। अब इसमें बोला गया कि जो वाटर सप्लाई होता है आपकी सोसाइटी में वो 2 दिनों के लिए बंद हो गया बिकॉज रिपेयरिंग जो है वो चल रही है पाइपलाइन की। तो ये बात जो है आपको ये इन्फॉर्म करना है सभी को, तो आप कैसे करेंगे, आपको एक नोटिस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोटिस दे दिया हमें, ऊपर हमने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है कि आप कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। ने दे दिया कि मैं किस तरफ से हूँ, CBA रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और कहाँ से हूँ, विकासपुरी से न्यू दिल्ली। उसके बाद आपने दे दिया नोटिस कि हाँ मैं नोटिस लिख रहा हूँ, और डेट दे दिया आपने। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डैश ए में हमें क्या लिखना है ये पूछा गया है। फिर सेकंड है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स दैट देर विल नो वाटर सप्लाई फॉर। फिर डैश दे दिया बी में, क्या है मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया। अब चलते हैं आगे, तो फिर आगे देखिए, आगे है ड्यू टू, फिर सी में फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया, फिर दिया है इन दी पाइपलाइन, और फिर है सो एवरीवन इज एडवाइज्ड टू स्टोर डैश टू अवॉइड इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा नोटिस तो हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हमें दे दिया फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे दे दिए हमें ये MCQs। अब इसको समझिए, इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे वो देखिए। इसमें हमें दिया है कि ए, जो ए था हमारा ऊपर था ए, फिलिंग द ब्लैंक्स था ए डैश करके, उसमें क्या चीज़ आएगी इनमें से, ये हमें छाटना है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दे दिया, ऐसे ही बी में, फिर सी में और फिर डी में। तो हम सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं अपनी जल्दी से। तो ए है, इसमें हमें किस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं, हमें वही चीज़ लिखनी है। तो हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे यहाँ की जो पानी है उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी क्योंकि रिपेयरिंग चल रही है, इसीलिए। तो ये हमारा मेन मोटिव है बताने का, यानी कि मेन हेडिंग है यही। तो वो चीज़ जल्दी से हम अपने MCQ की तरफ जाके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे है नो वाटर सप्लाई, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा पूरा तो बताया ही नहीं है कि पानी सप्लाई नहीं होगा, इससे तो सभी डर जाएंगे, तो ये तो होनी नहीं चाहिए हेडलाइन है। सेकंड है पावर कट, ये भी नहीं होगा। थर्ड है ड्यू टू रिपेयर वर्क नो वाटर सप्लाई, इसमें सही बात बिल्कुल बोली गई है कि जो रिपेयरिंग वर्क चल रहा है इस वजह से जो वाटर है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए का थर्ड हो गया। फिर बी देखिए, बी है, दोबारा से ऊपर चलना पड़ेगा। बी है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स दैट देयर विल बी नो वाटर सप्लाई फॉर। अब यहाँ पे हमने पूरी लाइन पढ़ी तो हमें समझ में आ गया कि हाँ लोगों को ये तो बता दिया कि जो पानी है
वो सप्लाई नहीं होगा, लेकिन कितने टाइम तक नहीं होगा, कितने दिनों तक नहीं होगा ये तो बताया ही नहीं, तो ये बात आनी चाहिए बी ऑप्शन में। तो वो देखते हैं ऑप्शंस की तरफ जल्दी से जाके। तो यहाँ पे बी है 2 डेज, फिर 3 डेज, फिर 4 डेज और फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने अपने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ लिया था पहले ही कि जो पानी है, वाटर सप्लाई है, वो 2 दिनों तक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट होगा बी वाले का। फिर सी की बात करें, सी है ड्यू टू डैश इन द पाइपलाइन। अब इसमें बोला गया है कि पाइपलाइन में क्या चीज़ होनी चाहिए, रिपेयरिंग हो रही है ना, पाइपलाइन में रिपेयरिंग हो रही है, इसीलिए क्या होगा। सो एवरीवन इज एडवाइज टू स्टोर डैश टू अवॉइड, तो पाइपलाइन में क्या हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है, ये बात बतानी है। तो ये बात हम कैसे बताएंगे, रिपेयर हो रहा है पाइपलाइन, तो वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिपेयर्ड, सेकंड है रिपेयरिंग, थर्ड है रिपेयर्स एंड फोर्थ है हमारा रिपेयर। तो क्या चीज़ आएगी यहाँ पे, रिपेयर आएगी, ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन रिपेयर हो रही है ना, तो यहाँ पे रिपेयर्ड आएगा ना, यहाँ पे रिपेयरिंग आएगा और ना यहाँ पे रिपेयर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि रिपेयरिंग मतलब कि हो रही है, अभी कंटिन्यू तो नहीं है कि वो चल रही है, और रिपेयर्ड मतलब कि हो चुकी है, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रिपेयरिंग होगी, इसीलिए फिर बाद में बोला गया सो एवरीवन इज एडवाइज टू डैश टू अवॉइड। इसमें बोला गया है कि सभी को ये सलाह है, ये एडवाइस है कि जो पानी है उसको स्टोर कर लीजिए। पानी स्टोर करने की बात आ गई तो वाटर तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है उसमें वाटर लिखा जाएगा, और वाटर स्टोर करना है क्यों, ताकि हम बाद की जो परेशानी है उससे बच सके, पानी तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या आएगा देखिए, पहला है वाटर, दूसरा है वाटर टैंक, तीसरा है वाटर स्टोरेज और फोर्थ यहाँ पे दिया नहीं है, तो फोर्थ को आप नन ऑफ द अबव कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाटर, वाटर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, और ए का यहाँ पे ये था थर्ड वाला, तो यहाँ से तीनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाते हैं, मैंने आपको तीनों आंसर बता दिए। तो आपको अब मेरे ख्याल से अब ये अंदाज़ा जो है वो लग चुका होगा कि किस तरीके के आएंगे नोटिस राइटिंग के क्वेश्चंस, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं पढ़ते हैं तो मेरा मानना तो यही है कि फिर बच्चा कर ही नहीं सकता है उस नोटिस राइटिंग के एमसीक्यू को, क्योंकि एमसीक्यू आपके बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ से निकाल लेते हैं सीबीएसई, और कैसे निकाल के लाएगी वो तो आप मेरे इन क्वेश्चन से समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, You are Akash and you want to change your name. Which of the following will be used for this purpose? अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप आकाश हैं और आपको अपना जो नाम है वो बदलना है, तो आप इस टाइम पर इस अपना नाम बदलने के लिए किस चीज़ को यूज़ करेंगे। नीचे ऑप्शंस है, पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है नोटिस, तीसरा है पब्लिक नोटिस और चौथा है इंस्टीट्यूशनल नोटिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, अगर आपको पता है तो। देखिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा, पब्लिक नोटिस, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना नाम बदलना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पब्लिक नोटिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें अपना नाम चेंज करना है इसीलिए हम पब्लिक नोटिस देंगे। एडवर्टाइजमेंट हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपनी कुछ जो सामान है या फिर कुछ भी जो इंस्टीट्यूट हमने खोला है हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने अपना नाम चेंज किया इसीलिए। तो पब्लिक नोटिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट हैव। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो नोटिस है उसमें क्या चीज़, मतलब उसमें क्या चीज़ बिल्कुल ज़रूरी होती है कि हाँ ज़रूरी ही ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नीचे ऑप्शंस है व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड फिर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, व्हाट बिल्कुल होना चाहिए नोटिस में कि क्या चीज़ है, व्हेन कब है, व्हाई क्यों है, किस लिए की जा रही है ये चीज़, कब है और क्या चीज़ है, ये तीनों बातें जो है नोटिस में बताई जाती हैं। कोई भी नोटिस आप लिखते हैं ये जो तीनों बातें हैं ये आपको बतानी ही पड़ेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ नोटिस इज अ डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो नोटिस है वो किस चीज़ में लिखा जाता है, किस चीज़ में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फर्स्ट है फॉर्मल, सेकंड है इनफॉर्मल, थर्ड है वर्बियल एंड फोर्थ है ओरल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ओरल, हम नोटिस ओरल नहीं देते हैं, बोल के तो नहीं देते हैं ना, लिख के देते हैं, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा।
इनफॉर्मल में भी हम नहीं लिखते, क्योंकि इनफॉर्मल हमें अपने रिश्तेदारों को नोटिस नहीं देना होता, हमें फॉर्मल चीज़ में लिखना होता है। चाहे तो हमें किसी सोसाइटी में देना है नोटिस, चाहे हमें स्कूल में देना है, कॉलेज में देना है, किसी भी जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए देना है, तो वो सभी चीज़ें फॉर्मल में आती है। इसलिए हम हमेशा नोटिस की जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा हम फॉर्मल में ही लिखते हैं, नोटिस कभी भी इनफॉर्मल में लिखा ही नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थ्रो नोटिस वन कैन। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो नोटिस है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, इसमें से चुन के बताइए। पहला है इन्फॉर्म, दूसरा है इन्वाइट, तीसरा है अवेयर एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या चीज़ होगी, इन्फॉर्म भी हम करते हैं, हम कोई ना कोई सूचना देते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं, या फिर हम इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं कि कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें सभी स्टूडेंट्स को कि विश आपकी इच्छा है कि आप में से कोई भी आ सकता है। अगर स्कूल में फंक्शन हो रहा है तो हम ऐसे करके देते हैं। अवेयर भी करते हैं कि पानी की कमी हो रही है तो उसके लिए वाटर, उसके लिए नोटिस लिखना पड़ता है। या फिर जैसे ऊपर था, ऊपर वाले केस में था कि पानी 2 दिनों तक नहीं आएगा क्योंकि अवेयर होगा पाइपलाइन, इसीलिए तो इसमें अवेयर किया जा रहा है, पहले से ही बताया जा रहा है कि हाँ आप अपने इस चीज़ से तैयारी कर लीजिए जो अभी होने वाली है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 4th करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो नोटिस में बताई जाती हैं। फिर 7th क्वेश्चन देखिए, एट द एंड ऑफ द नोटिस इट इज़ अ मस्ट टू मैंशन। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब हम नोटिस की एंडिंग करते हैं यानी कि ख़त्म करते हैं तो उस टाइम पे क्या चीज़ जो है वो मैंशन करनी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब कि वो करनी ही करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है नेम ओनली, बी है नेम सिग्नेचर एंड पोस्ट, सी है पोस्ट ओनली एंड डी है यानी कि 4th है नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए हमें नेम जो है वो भी मैंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि किसने लिखा है, उसकी सिग्नेचर भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रिंसिपल ने लिखा है तो प्रिंसिपल को अपनी सिग्नेचर करनी पड़ेगी, अगर किसी सेक्रेटरी ने लिखा है तो उसको अपनी सिग्नेचर करनी पड़ेगी, और पोस्ट कि आप किस पोस्ट पर हैं, है ना। स्कूल वाले केस में था वो हेड बॉय है, और अगर कोई और एग्जांपल दूँ जैसे कि प्रिंसिपल है तो उसको प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा कि हाँ मेरी ये पोस्ट है, अगर कोई सेक्रेटरी है तो उसको सेक्रेटरी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2nd आपका करेक्ट आंसर होगा, नेम सिग्नेचर एंड पोस्ट, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती है नोटिस की एंडिंग करते टाइम, यानी कि बिल्कुल लास्ट में जब हम जो चीज़ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नोटिस कैन बी रिटन फॉर्म फॉर पर्पस। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो नोटिस है वो किस पर वो रिटन फॉर्म में किस पर्पस से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जर्नल, बी है स्पेसिफिक, सी है जर्नल एंड स्पेसिफिक बोथ, एंड डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्नल एंड स्पेसिफिक बोथ। जर्नल जो जर्नल बातें होती हैं वो बताने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक बात भी बताने के लिए लिखा जाता है, तो इन दोनों पर्पस से जो है नोटिस रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम हर एक को बोल बोल के तो नहीं बताएंगे कि हाँ ये बात है ये बात है, हम सीधे एक बोर्ड पे लगा देंगे नोटिस को और उससे सब पढ़ लेंगे कि हाँ ये बात है, यहाँ पे फंक्शन है, ये वेन्यू है जो बात नोटिस में कही गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3rd आपका करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है गवर्नमेंट इश्यूज द नोटिस थ्रू। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं उस केस में जो नोटिस है वो कहाँ पर लगाया जाएगा। अब गवर्नमेंट ने नोटिस भाई कोई जारी किया है कि ये कोई नया कानून बनाया मान लीजिए, तो ये सारी बातों कैसे बताएंगे, एक बोर्ड तो नहीं है पूरे देश में बताने के लिए, एक बोर्ड तो नहीं है कि हम सभी लोग वहाँ पे जाकर देखेंगे, तो वो किस तरीके से बताएंगे। ऑप्शन है पहला डिस्प्ले बोर्ड, दूसरा है पब्लिक नोटिस बोर्ड, तीसरा है न्यूज़पेपर एंड चौथा है नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अक्सर सभी के घरों में आता है, मोस्टली एक आध घर होंगे जिनमें नहीं आता, वरना मोस्टली न्यूज़पेपर जो है वो सभी पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो इससे जो है वो पूरे कंट्री को ये बात पता चल जाएगी कि हाँ ये जो नई चीज़ है ये लागू की गई है हमारे देश में, या कोई भी गवर्नमेंट इशू है वो। तो गवर्नमेंट इशू के लिए जो नोटिस लिखा जाता है वो हमेशा न्यूज़पेपर में ही आपका प्रिंट होकर आएगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं जितने मैंने कराए हैं, इनको अगर आप अच्छे से करते हैं और अगर आपको नोटिस का फॉर्मेट पता है तो आप नोटिस राइटिंग के जो MCQs है उनमें आपके फुल मार्क्स आएंगे, आप एक भी नंबर नहीं गवाएंगे। तो 10th क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है आ नोटिस इज इनकम्प्लीट विदाउट मैंशनिंग। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो नोटिस है वो इनकम्प्लीट होगा अगर क्या इनकम्प्लीट होगा अगर हम क्या चीज़ मैंशन नहीं करेंगे, ये हमसे पूछा गया ऑप्शन में।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट्स पर्पस, सेकंड है ऑल द डिटेल्स, एंड थर्ड है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कॉन्क्वर्ड पर्सन। किस चीज के बिना जो नोटिस है वो इनकम्प्लीट होगा बताइए, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा और सी भी करेक्ट होगा। तो अगर ये तीनों ही सही हैं तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्यों होगा, क्योंकि हमें जो नोटिस है वो इनकम्प्लीट कब होता है, जब हमने उसमें किस पर्पस से हम लिख रहे हैं जब हमने ये बात बताई नहीं है तो इनकम्प्लीट होगा। अगर हमने वो पर्पस बता दिया और डिटेल नहीं दी कि यहाँ पे जैसे कि डेट टाइम वेन्यू, अगर ये चीज़ हमने नहीं बताई तभी भी वो इनकम्प्लीट होगा। और लास्ट में सिग्नेचर और नेम और किसने ये बात लिखी है यानी कि आपकी पोस्ट, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, मस्ट हैं बिल्कुल नोटिस में, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, उसके बिना नोटिस जो है वो अधूरा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर आपका करेक्ट आंसर है। आज के लिए बस 10 क्वेश्चंस ही नोटिस के, बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं यानी कि 20 क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं नोटिस के, तो जो 10 क्वेश्चंस हैं वो पार्ट टू में आएंगे। लेकिन अगर आपकी कमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, आप जितनी अच्छे से कमेंट करेंगे जितनी लाइक्स आएंगी उसी के अकॉर्डिंगली आपका पार्ट नंबर जो टू है वो जल्दी लाने की मैं कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी देख सकें और वो भी पढ़ सकें। और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहेगी। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, जो क्वेश्चंस थे वो आपको हार्ड लगे या इजी लगे, और आपने कितना स्कोर किया, यानी कि 10 क्वेश्चंस हैं तो हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स मतलब कि 10 नंबर हो गए। तो आपने सभी के आंसर दिए हैं तो आपको करेक्ट करके बताना है कि हाँ मेरे 10 out of 10 है या फिर मेरे 10 out of 9 है, इस तरीके से। और तीसरी बात सुन लीजिए, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसे जाके ज्वाइन कीजिए, योनी क्लासेस के नाम से है, स्पेलिंग है YONEEK और फिर क्लासेस, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम आईडी नहीं देखी आपने अभी तक तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं, वो भी यूनिक क्लासेस के नाम से है, और प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो एकदम से बतानी होती है वो वहाँ पर बता दी जाती है। और चौथी बात, ये जो नोटिस आपके क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 10 मतलब कि 20 करा दूँगी नेक्स्ट पार्ट में, इसकी PDF आपको इंग्लिश के ईबुक में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए स्क्रीनशॉट्स लेने में, सीधे PDF से पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।